प्यारे साथियों, CET कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये कैट का जो टेस्ट था ये पहले लागू किया था बैंकिंग सेक्टर, रेलवे सेक्टर और SSC CGL के लिए, लेकिन 2024 से कैट का नियम सभी के लिए लागू किया जा रहा है। आप 10th पास के अंदर कोई अप्लाई करोगे फार्म, 12th बेस पे कोई फार्म अप्लाई करोगे या ग्रेजुएशन लेवल पे अप्लाई करोगे तो सभी को कैट का एग्ज़ाम क्लियर करना ज़रूरी है। 2024 से ये नियम लागू हो जाएगा और 2024 के अंदर मई के अंदर ये पहला एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। अब तक क्या होता था, साल के अंदर दो बार ये एग्ज़ाम लिया जाता था कैट का। NRA नेशनल रिक्रूटिंग एजेंसी, इसका 2024 के अंदर NRA नेशनल रिक्रूटिंग एजेंसी, इसको 2020 में गठित किया गया था और NRA ने CET कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का गठन किया था। उनका कहना था कि रेलवे, बैंकिंग और SSC CGL की जो परीक्षाएं हैं इनके अंदर ये जो नौजवान कैट का एग्ज़ाम क्लियर कर लेगा उसको प्री एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं, प्री एग्ज़ाम समाप्त कर दिया था, वो डायरेक्ट मेन एग्ज़ाम के अंदर बैठ सकेगा और जो कैट का एग्ज़ाम क्लियर कर लेगा वही इसके अंदर फार्म अप्लाई कर सकेगा। लेकिन अभी गवर्नमेंट का कहना है कि ये स्टेट लेवल पे भी किया जाएगा। 2024 से स्टेट लेवल पे कैट का नियम लागू कर दिया गया है। अगर आपने कैट की परीक्षा पास की है तो ही आप 10th पास में, 12th पास में और ग्रेजुएशन लेवल पे फार्म अप्लाई कर सकेंगे। लेकिन अभी इसके अंदर कुछ सस्पेंस बना हुआ है। अगर मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन लेवल पे कैट का एग्ज़ाम क्लियर कर दिया और आप दिल्ली पुलिस के अंदर SSC द्वारा 12th पास का फार्म अप्लाई करना चाहते हो, क्योंकि दिल्ली पुलिस के अंदर SSC के अंदर आता है और इसके अंदर 12th पास क्वालिफिकेशन मांगा जाता है, तो क्या आप इसके अंदर फार्म अप्लाई कर सकोगे? अब मान लीजिए आपने 12th बेस पे कैट का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है और आप MTS का फार्म अप्लाई करना चाहते हो, क्योंकि MTS का फार्म अप्लाई किया जाता है 10th पास पे, तो क्या आप इसको अप्लाई कर सकते हो? अभी इसके बारे में कुछ भी क्लियर नहीं है। या तो गवर्नमेंट ने ऐसा कर देना चाहिए, जिसने ग्रेजुएशन लेवल पे कैट का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है वो 12th पास पे भी फार्म अप्लाई कर सकता है, 10th बेस पे भी अप्लाई कर सकता है, लेकिन अभी तक इसका कोई भी ऐसा नियम नहीं है। अगर ऐसा नियम नहीं हुआ तो साल के अंदर दो बार कैट का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा, एक बार ग्रेजुएशन लेवल पे, एक बार 12th पास पे, एक बार 10th पास पे। तो एक नौजवान को तो साल में 6 बार ये एग्ज़ाम ही देना पड़ेगा। कितना उसका फीस लगेगा, कितना उसको परेशानी होगा, कितना हरासमेंट होगा बार बार एग्ज़ाम सेंटर पे जाने के लिए, कितना टाइम बर्बाद होगा। तो दोस्तों, ये कैट का नियम पहले किया गया था सिर्फ SSC CGL के लिए, रेलवे के लिए और बैंकिंग के लिए, लेकिन 2024 से ये नियम लागू हो जाएगा सभी भर्तियों पे। इसलिए आप अपने कैट की भी तैयारी करते रहिए। और आपको ये कैट के बारे में क्या आपके विचार हैं, क्या आपका ख्याल है, कैसा आपको इसके बारे में कहना है, क्योंकि अभी तक तो जितने भी नौजवानों के कमेंट्स आ रहे हैं वो सब यही कह रहे हैं कि ये कैट जो है ये नौजवानों का एक लाइफ बर्बाद करने का सिस्टम है, ये कैट को समाप्त कर देना चाहिए। लेकिन दोस्तों, गवर्नमेंट का अब ये नियम है और ये नियम 2024 से लागू हो जाएगा। तो आपका क्या कहना कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स करें।